मुंबई पोतगा में नौसेना की युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने के बाद से एक नाविक लापता है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में 21 जुलाई की शाम उस समय आग लग गई थी जब नौसेना के मुंबई स्थित पोतगा में उसकी मरम्मत की जा रही थी। जहाज के चालक दल ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग लगने के कारण जहाज समुद्र के पानी में एक ओर झुक गया है। मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में मरम्मत के दौरान भारतीय नौसेना की युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में भीषण आग लग गई। हालांकि आग पर समय रहते काबू तो पा लिया गया, लेकिन युद्धपोत एक तरफ झुक गया है। इस भीषण अग्निकांड से जहाज को काफी नुकसान पहुंचा है। घटना में एक नाविक लापता है जिसका पता लगाया जा रहा है। वहीं नौसेना ने इस घटना को लेकर बयान जारी कर कहा है कि जैसा कि पहले बताया गया था, 21 जुलाई की शाम को भारतीय नौसेना के बहु भूमिका वाले फ्रिगेट जहाज ब्रह्मपुत्र में आग लग गई थी जब वह MBI में मरम्मत के लिए जा रहा था। 22 जुलाई की सुबह तक नौसेना डॉकयार्ड और बंदरगाह में मौजूद अन्य जहाजों के अग्निशामकों की सहायता से जहाज के चालक दल ने आग पर काबू पा लिया। ये घटना तब हुई जब जहाज की मरम्मत की जा रही थी। नौसेना ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। नौसेना की तरफ से जारी बयान में आगे कहा गया है, फ्रिगेट INS ब्रह्मपुत्र पर लगी आग की घटना में युद्धपोत एक तरफ गंभीर रूप से झुक गया। तमाम कोशिशों के बावजूद जहाज को सीधा नहीं किया जा सका। जहाज अपने बर्थ के साथ साथ और भी झुकता चला गया और फिलहाल एक तरफ टिका हुआ है। हम आपको बता दें कि INS ब्रह्मपुत्र स्वदेशी रूप से निर्मित पहला मिसाइल फ्रिगेट है। इसे अप्रैल 2000 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसके अंदर टारपीडो लॉन्चर लगे हुए हैं। INS ब्रह्मपुत्र में सिंकिंग और चेतक हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। INS ब्रह्मपुत्र 5300 टन वजनी है, 125 मीटर लंबा और 14.4 मीटर चौड़ा है। ये जहाज 27 नॉट से भी ज्यादा गति से चल सकता है, जो इसे दुश्मन के हमलों से बचने में मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।